कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से निश्चित रूप से हम सारे गैप्स को भरने का काम करेंगे, जो किसान के काम आएंगे, किसान को वाजिब दाम दिलाने के काम आएंगे और खेती की ओर लोगों को आकर्षित करने की दिशा में कारगर होंगे। हम सब जानते हैं कि केसीसी का विषय वाजपेयी जी के समय में आया था और उस समय किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था। अभी तक 6 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रवाह किसानी के क्षेत्र में होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपया किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि फरवरी 20 में बांदा में हम लोगों ने केसीसी के अभियान का पुनः शुरुआत की थी। मोदी जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, उन्हीं ने अनाउंस किया था और मार्च से लॉकडाउन की स्थिति आ गई, लेकिन कोविड भी रहा, लॉकडाउन भी रहा, तमाम सारी चीजें बंद हुई, तो हम सब ने देखा कि खेती और किसानी का काम प्रभावित नहीं हुआ। फसल की कटाई भी हुई, उपार्जन भी गत वर्ष की तुलना में अधिक हुआ। ग्रीष्म ऋतु की बुआई देखें, खरीफ की बुआई देखें, पैदावार देखें, तो एक तौर से रिकॉर्ड तोड़ काम खेती ने किया है। लेकिन मैं इस अवसर पर बैंकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कोविड के इस सीजन में मोदी जी के इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए 1 करोड़ से अधिक नए किसानों को केसीसी के कवर के अंतर्गत लाए और उसके आधार पर उनको 1 लाख करोड़ रुपया इन 8 महीने के भीतर किसानों को देने का काम किया। यह भी हम लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। बाकी कृषि सुधार की दृष्टि से, एमएसपी को भी परिभाषित करने की दृष्टि से बहुत सारी बातें हम सब लोगों के मन में भी हैं, किसान नेताओं के मन में भी हैं, किसानों के मन में भी हैं। निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि कुछ सुधार हुए हैं और अभी बहुत सारे सुधार आने वाले कल में कृषि के क्षेत्र में किए जाने हैं, तो हम लोग समय समय पर इन बिंदुओं पर बातचीत करते रहेंगे। आज मैं इस कार्यक्रम में आप सब बंधुओं का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सबको किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये विषय यही समाप्त होता है। आज पत्रकार मित्रों को मैंने चाय पर आमंत्रित किया था और मेरी कोशिश थी कि मेरे पास विषय तो बहुत नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि बहुत दिन हो गए आप भी किसान आंदोलन और कृषि मंत्रालय को कवर कर रहे हो सर्दी के मौसम में, तो आज फुर्सत में आप सब लोगों के साथ चाय पी जाए। तो लेकिन वो चूंकि विनोद जी का भी कार्यक्रम किसान दिवस के कारण आज ही था और परिस्थिति ऐसी हो गई कि दोनों कार्यक्रम एक साथ ही हो गए,